ਜਾ ਪੁੱਤਰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਪੈਕਟ ਲਿਆ ਸੰਗਤਾਂ ਸਭ ਚਾਹ ਬਣਾਣੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮੰਮੀ ਲੈ ਗਿਆ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਚੱਪਲ ਪਾ ਕੇ ਜਾਇਓ ਮੰਮੀ ਚੱਪਲ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੁਣੇ ਗਿਆ ਹੁਣੇ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਪਲ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਯਾਰ ਬਸ ਚੱਪਲ ਪਾ ਕੇ ਜਾਓ ਬਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਚੱਪਲ ਪਾ ਕੇ ਜਾਓ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਆਈ ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮਾਮਾ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਰੇ ਭੈਣ ਜੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ बड़े टाइम बाद दिखे इतने टाइम दिखे नहीं की गल हां जी हुन मैं रोज तनु दिखया करंगी 40 दिन हस्ते ते मैं उन चलिया सुख्य होया मन्नत मंगी सी परमात्मा बोलो हस्बैंड नु तरक्की हो जाए उना दा प्रमोशन हो जाए ते मैं रोज 40 दिन आंगी उना दे अगे मत्था टेकण हस्ते आंगी प्रमोशन दी ते चलो बधाईयां तनु पर मन्नत मंगी सी चलिया सुख्य सी मीत वीर जी हुन तुसी प्लीज अपना लेक्चर मत दो मेनू ते आज पर शायद तुसी छक्के के नहीं फ्राइड राइस दा लंगर बने यो फ्राइड राइस ओ मैं आज लेट हो गया सी अच्छा चलो कोई नहीं मेरा भरा है कमेटी दा मेंबर है ओ ते मैं थोड़े घर ही पहुंचा देनी है लंगर ऐसी कोई गल नहीं है थोड़ा भरा हां जी ओ टिंकू ओ कमेटी मेंबर है हां तो फिर तुसी फ्राइड राइस रहण दो मेनू ना परमिशन दवा दो ओ मैं ना नवी पग्गा दा काम शुरू कीता देखो कलर्ड पग्गा एकदम ओ मैं ना इत्थे गुरुद्वारे बेचनी है मेरा बिजनेस शुरू हो जाएगा इतना काम करा दो मेरा भैन जी कोई गल नहीं तुसी बाहर अपना लगा लो स्टॉल लगा लो कोई ऐसी गल नहीं समझो परमिशन नहीं 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 भैन जी गुरुद्वारे दे बाहर नहीं मैं स्टॉल लगाना है मैं ना दरबार दे अंदर मतलब जो दरवाजा ना उदे अंदर पग्गा लगा के सारी संगत नु पग्गा बेचनी है बस मेरा बिजनेस शुरू करवा दो नहीं वीर जी तुसी क्या जी गल्ला कर रहे हो दरबार साहब थोड़ी तुसी कोई बिजनेस कर सकते हो कोई भी बिजनेस होवे भैन जी पर पग है पग ते गुरु दी दित्ती हुई है ते ये बिजनेस क्यों नहीं मैं कर सकदा अंदर नहीं जेड़ा मर्जी बिजनेस होवे कोई भी तुसी परमात्मा दे अगे दरबार च बैठ के नहीं कर सकदे हो क्यों तुसी गुरुद्वारे दे अंदर बिजनेस कर सकदे मैं क्यों नहीं कर सकदा ले मैं केड़ा बिजनेस कीता है ना बिजनेस नहीं ते होर की है भैन जी तुसी क्या है कि मैं मन्नत मंगी सी गुरु अगे कि जे मेरे हस्बैंड नु प्रमोशन मिल गई ते मैं 40 दिन गुरुद्वारे आवांगी हां शर्त रख रहे हो गुरु दे अगे उस महाराज दे अगे जो बादशाहवां दा भी बादशाह है साडी औकात है कि असी गुरु महाराज दे अगे शर्त रख सकीए हां भैन जी अपने आप तुसी सोचो सबना का मां प्यो आप है साडे मां है ओ हुण देखिया सी ना तुसी ओ मां किस तरह उहदे पिछे पई सी कि चप्पल पा के जाई भी मेरे पुत्तर नूं कुछ लग ना जावे हैं जो साडी मां है साडा प्यो सानू तकलीफ ही देख सकदा हां असी लोग कहंदे आ जी असी नंगे पैरी गुरुद्वारे जावांगे असी गुरु नूं खुश करांगे गुरु नानक साहिब जी महाराज जी ने आसा की वारी समझाया है पग उपे ताणा अपना किया कमाणा नंगे पैर जाण नाल इह तप वर्गे कर्म करके अपने शरीर नूं तकलीफ देण नाल गुरु खुश नहीं होंदा इह नंगे पैर आणा अपने आप नूं तकलीफ देण वाली ही गल है ना अपने कर्मां नाल गुरु नूं खुश करना है ना कि तकलीफा दे के देखा ना वो माँ अपने पुत्र नूं तकलीफ नहीं लैण दिंदी बल्कि तुहानूं पता है साडा सिख ते इतना मॉडर्न इतना प्रैक्टिकल रिलीजन है तुहानूं पता है जे गुरु महाराज दा स्वरूप एक जगह तो दूजी जगह लैके जा रहे होइए पैदल तो जिहड़ा सिंह स्वरूप नूं सिर ते लैके जांदा है हाँ उहनूं नंगे पैर ही जाना चाहिए पर कदे लोड़ पै जाए जिस तरह बहुत धुप है जमीन बहुत गर्म है या फिर बारिश करके बहुत चिक्कड़ है ਤੇ ਅਗਰ ਚੱਪਲਾਂ ਪਾਣੀ ਪੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਅੱਜ ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਇਹ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇਖੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 13 ਤੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਦੇਖੋ ਪੜ੍ਹੋ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਛਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲੈ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਜੋੜੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅੱਤ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਤੇ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇਖੋ ਪੰਥ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਭੈਣ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇ ਰੋਜ਼ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਈਏ ਨਾ ਤੇ ਘੱਟ ਹੈ ਇਹ 40-50 ਦਿਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ ਪੈਰ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਭੈਣ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰੋ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਭਰਿਆ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮਤ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਵਾਓ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ
नहीं तो इस बिजनेस फिर तुहानू नुकसान ही नुकसान है भैन जी, समझ रहे हो ना मैं की कह रहा? वाकई मीतवीर जी बहुत चंगा समझाया तुसी। कोई गल नहीं भैन जी, हुण समझ आ गई तो फिर बहुत ही वधिया गल है। तो फिर दसो भैन जी, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੱਗਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਾਹਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚਲੋ ਆਓ ਹੁਣ, ਜੋ ਬੱਚੇ ਫਰਾਈਡ ਰਾਈਸ ਉਹ ਖਵਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਹੈ? ਚਲੋ ਜੀ, ਚਲੋ।